Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. न खुदा ही मिला न विसाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे। तो ये मैं किसके लिए कह रहा हूं ये आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स पे। बलराज शाह और उसके सपोले आ जाएंगे सड़क पे और गाएंगे मैं हूं आदमी सड़क का। तो कैसे सड़क पे आएंगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पहले वही निवेदन वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो नीचे लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों बलराज शाह अब जो है घमंड के आसमान पे पहुंच चुका है। हम देख रहे हैं कि अमीर से अमीर हर लीग में अमीर क्यों बनता जा रहा, उसका एक रीजन है दोस्तों। क्योंकि कोई मिडिल क्लास आदमी जब नीचे गिरता है तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होती, जब कोई अमीर हो जाता है बहुत ज्यादा और उसको उस लग्जरी चीजों की आदत पड़ जाती है तो फिर वो जब मुंह के बल जमीन पे गिरता है तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो बलराज शाह ने इतनी बड़ी डील कर ली, उसके घमंड में है और वो बहुत ऊंचे ऊंचे सपने लेके बैठा हुआ है। तो बलराज शाह की बिल्डर से डील हुई, अपने बाप के अरमानों के ऊपर उसने एक महल खड़ा करने का सोचा और अब वो बिल्डर ने इनको 50 लाख देके और एक जगह दे दी, एक बंगलो दे दिया कि वो पेंट हाउस रेडी हो रहा है और फिर आप उसमें शिफ्ट हो जाए। और वो दोस्तों पेंट हाउस कभी रेडी नहीं होगा। बिल्डर जो है आगे वाले जो एपिसोड में आप देखेंगे कि बलराज शाह को बिल्डर धोखा देके और ऐसे और भी बलराजों को धोखा देके भाग जाएगा। और बलराज शाह जो 50 लाख था वो तो हम देख चुके हैं कि बलराज शाह उड़ा चुके हैं। बलराज शाह और उसके दो क्या तीन मैं तो यूं कहूं सपोले, ये दो तो थे ही, तोशी और पाखी, और तीसरी डिम्पी जिसने रंग बदला है उसको भी सड़क पे देख के हमको बहुत मजा तो आएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये है कि देर से सही कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, देर से सही मतलब कान्हा जी ने एक ऊपर चढ़ा के ऐसे पटकना है बलराज शाह को कि बलराज शाह के वो कहते हैं ना कि शाना कौआ जो होता है डैश पे गिरता है, तो बलराज शाह वही शाना कौआ है। बिना सोचे समझे उसने ये सब चीजें की और अब बिल्डर जब भाग जाएगा कोई डील नहीं होगी। और ये वाला बंगला भी आशा भवन खाली कराने चला था, ये बंगला भी बलराज शाह को खाली करना पड़ेगा। और फिर बलराज शाह की हालत कैसी होगी, कैसे उबर पाएगा बलराज शाह इससे। और फिर आपको याद है कि पहले भी बलराज शाह गिरगिट की तरह कई बार रंग बदल चुका है, क्या फिर से बदलेगा रंग, देखना दिलचस्प होगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।